स्वागत है आपका कमेंटली चैलेंज के नए एपिसोड में। और आज हम आपको कुछ ऐसे बाबा दिखाने वाले हैं जिसको देख के आप अपने ही मुंह पे मुक्का मार लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ होते हैं नाचने वाले बाबा, कुछ होते हैं ऑलराउंडर बाबा, और सबसे बढ़िया बात है ना कि कृपा ये अपने खाने की मूड के हिसाब से देते हैं। जैसे अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो बाबा जी आपको पराठे खिला खिला के कृपा करेंगे। आप परोठे नहीं खाते हैं? गोभी के परोठे कब खाए? बहुत दिन से नहीं खाए ना? है, नहीं खाए, वो खा लेना। ठीक है। और जैसे लंच का टाइम होता है, पूड़ियां छोले बड़े ज्यादा सामने आते पेने। और मेन कोर्स तो छोड़ो, बाबा जी तो स्नैक्स के भी बड़े शौकीन है। भाई आपके आने से पहले गोलगप्पे क्यों आने शुरू हो गए? समोसे, टिक्की, डोसा, ये खाने की चीजें इतनी सारी आ रही है। अब क्या करें, बाबा जी को खोलना था रेस्टोरेंट पर घर वालों ने फोर्स कर दिया कि तू बीए दो बार कर ले, बाबा बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बाबा सिर्फ खाने के शौकीन नहीं है, पीने के भी बहुत शौकीन है। तो जैसे ही 7 बजते हैं और बाबा जी का सेट होने का टाइम हो जाता है, विस्की की बोतल, वो भी जॉनी वॉकर की, क्यों आ रही है सामने हमारे? क्योंकि आए आप बाद में, बियर की बोतल पहले आ रही है। ऐसा नहीं है बाबा जी, सिर्फ अपनी दारू का देखते हैं। ब्रांड कौन सा चलाया था भाई? और खुद कौन सी पीते हो? खुद यही पीता हूं। तो भाई जो खुद पीते हो वही भैरों को चढ़ा रहे हो, बराबरी पर क्यों आते हो? उनको और बढ़ा के चढ़ाओ, तब कृपा आएगी। खूब जमेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और निर्मल बाबा। और बाबा जी दारू के अलावा भी नशे करते हैं। हुक्का कब देखा? हुक्का बहुत आ रहा है हमारे सामने, रोज ही फूक लेता हूँ। और आपको जान के खुशी होगी कि बाबा गंजेड़ियों को भी फुल सपोर्ट करते हैं। ये चिलम कहाँ देखी है? चिलम बाबा जी ऐसे खतरनाक है कि किसी भी बात पे लोगों की कृपा रोक देते हैं और बिल हमेशा भगवान पे फाड़ते हैं। जैसे अगर किसी ने गुल्लक में पैसे कम डाले, वहाँ गुल्लक में क्या डाला था? 10 रुपए डाले, अब जाके 50 रुपए डाल देना, तब भैरों की कृपा नहीं होगी। जब और एक बेचारा तो शादी में नहीं नाचा, उस चक्कर में साले की कृपा रुक गई। शादी में नाचे थे तुम? हाँ जी। नाचे क्यों नहीं भाई, अब यहीं पर नाच के दिखा दोगे तो पूरी करवा देते हैं। तब हुई जब बाबा जी ने ढंग से ना नहाने के चक्कर में कृपा रोक ली। शावर, जो नहाने के लिए शावर होता है, गड़बड़ तो नहीं थी उसमें? उस जगह पर पानी नहीं गिरता था क्या? थोड़ा डिस्टेंस में गिरता है। दरअसल मैंने यहाँ से कृपा भेजी थी, वो आपके गंदे पिछवाड़ा देख के वापिस आ गई, साफ कर लो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये सच बताऊं तो बाबा जी की बातें सुन के मेरा दिल करता है कि दीवार पे सर मार मार के मर जाऊं। पर मैं चला गया तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस कौन बनाएगा? चलो वो तो ठीक है, पर मैं ये सोच रहा हूँ अगर निर्मल बाबा के हिसाब से भगवान चलने लग गए तो वहां क्या होगा? अरे क्या महेश समोसे खा रहा है? ये कौन सी चटनी ले रहा है? लाल इसकी कृपा रोको, कृपा रोको इसकी। और ये आया कब तक ऐसे हमारे पास लास्ट टाइम? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया ना, इसके तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल कर दो। ये क्या 10 का नोट? बेटा विनोद इतनी महंगाई में तो 10-10 रुपए दे रहा है, तेरे तो मैं बम फोड़ूंगा घर में। और अब आते हैं बाबा जी के रिजल्ट्स पे। जब लोग खा पी और फूक के अपनी कृपा सही कर लेते हैं तब क्या होता है? रिसेंट एक्सपीरियंस ये है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट था, मैंने उसके लिए कोचिंग कुछ नहीं लिया था, मैं घूमने गया हुआ था, 10,000 रैंक आया था। नहीं बाबा जी आपका चमत्कार था कि आज मेरे साथ जो बैठे हैं उनकी रैंक है 2,000-3,000, मेरी 10,000 रैंक थी तब भी मुझे उसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया। भाई उसे कृपा नहीं कहते, उसे कोटा कहते हैं, कोटा। यार देखो मुझे करनी मोटी कमाई तो मैं जा रहा हूँ बाबा बनने। जी बाबा जी के चरणों में 10 करोड़ी प्रणाम जी, नाक रगड़ के प्रणाम। कहाँ से आए हो? मैं तो आई तो घर से ही हूँ। क्या समस्या है? जी बाबा जी बच्चे बहुत परेशान करते हैं बाबा जी, 3 बच्चे हैं मेरे बाबा जी, इनको सद्बुद्धि दो बाबा जी, क्या करूँ, बहुत परेशान करते हैं बाबा जी बच्चे मेरे को। ऐसा करो 3 बच्चे हैं, 1 फेंक दो उसमें से, बाकी 2 में डर पैदा हो जाएगा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी क्या
आ गए। चलो ये छोटा वाला फेंक देती हूँ, ये ज्यादा पसंद करता है। बाबा जी की जय हो। बाबा जी के चरणों में नॉर्मल वाला प्रणाम। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा जी बहुत परेशान हूँ, बाबा जी कृपा करो, बाबा जी मेरी बंदी में कभी गलती नहीं मानती, बाबा जी बहुत परेशान हूँ बाबा जी। बंदी अपनी गलती मान ले, ऐसी कोई कृपा हमारे पास नहीं जी, आगे बताओ। अच्छा तो चलो बाबा जी बंदी मनवा दो, बाबा जी बहुत गुस्सा रहती है, बहुत लड़ती है बाबा जी। ये हमारी बंदी तो ठीक है, पर ये तंदूरी चिकन और चिकन लॉलीपॉप पता नहीं क्यों आ रही है, और साथ में एक ओल्ड मॉन्क का पैग आ रहा है। अरे बाबा जी कृपा का भूल गए, कहीं नारियल चढ़ा देना यार तुम जाके जाओ। चलो ठीक है बाबा जी, चलो बंदी तो मान जाएगी बाबा जी, पर बीवी का भी कुछ कर दो कृपा का जुगाड़। बिरबल बाबा की जय। बाबा जी को कोटी कोटी प्रणाम, बाबा जी आपके चरणों में, बाबा जी आपकी कृपा से बहुत फायदा हुआ बाबा जी। हम बहुत गरीब थे बाबा जी, आंसू पी के पेट भरते थे बाबा जी, बिल्कुल पैसा नहीं था बाबा जी। बाबा जी आपकी कृपा से मेरी आज गवर्नमेंट जॉब लग गई बाबा जी। पर बाबा जी कमाल की बात है, मैंने तो कोई पेपर भी नहीं दिया था बाबा जी। आपकी जय हो। बाबा जी की जय हो। जय हो बाबा जी की जय हो। ये ना आप सोच रहे होंगे हमने बाकी बाबाओं को तो घेरे में लिया नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अभी उन पे भी कृपा होगी। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिक होके वो घंटा दबा दो। तो मैं जा रहा हूँ बाबा जी के दरबार के बाद समोसे की रेडी लगाने, क्योंकि 2 घंटे समोसे की बात करके सबको भूख तो लगी गई होगी। बाय। और अगर आपको जानना है कि हम ये वीडियो कैसे बनाते हैं, इसमें VFX कैसे होता है और एडिटिंग कैसी होती है, तो हमारा दूसरा चैनल टेक गॉगल, जिसका लिंक यहाँ आ रहा है, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर करें।